हाँ भाई, मेरे को पता है कि थर्ड चीज़ ही ऐसी कि ना चाहते हुए भी ऐसी वीडियोस पर क्लिक करना ही पड़ता है। तो यारो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 18 प्लस वेब सीरीज, जो कि अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है और जो कि मैंने देखी हुई है। तो यारो, अगर आप यहाँ पर 18 प्लस सोच के आए हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग वीडियो में खो जाए, पहले लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना। तो हमारी लिस्ट में जो वेब सीरीज नंबर 5 पर है वो है द बॉयज, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पर। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने माइंड में सोचते हैं सुपर हीरोज, तो आपके माइंड में आता होगा कि भाई ऐसा ही कोई होगा हंक की तरह, या फिर आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन, मतलब ऐसे सुपर हीरोज आपके माइंड में आते हैं। लेकिन ये सीरीज आपका जो नजरिया है ना, वो पूरा बदल देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सुपर हीरोज सभी अच्छे ही होते हैं। और यारो, इस सीरीज में आपको स्टोरी, मार्कोटाई, ठोका ठोकाई सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सीरीज मेरी तरफ से आप लोग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है, अभी जाकर के देखो। इसके बाद बात करते हैं सीरीज नंबर 2 की। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो सीरीज है वो है सेक्स एजुकेशन, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। इसके अभी तक की 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, अभी जाकर के आप देख सकते हैं। और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। अगर आप यहाँ पर इसका नाम सुनकर जा रहे हैं ना कि बस भाई वही चीज दिखाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिखाई गए कॉलेज की स्टोरी, जहाँ पर फोकस किया गया एजुकेशन पर भी, तो यानी कि भाई काफी बढ़िया स्टोरी है। और यहाँ पर आपको वो नॉलेज मिलेगा जो कि आपने हाई स्कूल में नहीं लिया। हाई स्कूल में बस आपने जब भी बायो का नाम सुना तो बस इसमें स्टोरी दिखाई गई है टीनेजर्स की, कैसे उन लोग का कॉलेज लाइफ में रोमांस वगैरह सब कुछ दिखाया गया है एजुकेशन के साथ साथ। तो ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी लिस्ट में सीरीज नंबर 3 पर है, वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। और भाई ये तो अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज है, बस इसके लास्ट के 2 सीजन ने अगर हगा ना होता तो। लेकिन इसके 8 सीजन है और स्टार्टिंग के तो 6 सीजन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है ये सीरीज आप लोग के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक की GOT सीरीज नहीं देखी है तो भाई अभी जाकर के देखो, ये आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पर। और इसमें आपको कहानी दिखाई गई उस टाइम की, जिस टाइम पर राजा महाराजा हुआ करते थे और सत्ता की भूख के लिए वो लोग कैसे अपने बेटे को, अपने पति को, सबको भाई लगा लेते थे काम पर। और इसमें तो भाई आपको मार कुटाई, ठोका ठुकाई, हर एक चीज देखने को मिलेगी। टाइगेरियन ड्रैगन, मतलब आपको समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ पर एक एपिसोड देखेंगे ना, तो आपको इससे ऐसा लगाव हो जाएगा ना कि फिर आप छोड़ेंगे ही नहीं। बस अगर सीजन 8 का फिनाले थोड़ा सा अच्छा होता तो भाई ये अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज होती। लेकिन हाँ, वैसे भी ये सबसे बेस्ट ही है। देन नंबर 2, तो नंबर 2 पर है डेयर डेविल। पहले ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी, लेकिन अब इस टाइम पर आपको ये हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा पैसा देकर के हॉटस्टार को आप इस सीरीज को देख सकते हैं, नहीं तो भाई आपके पास जुगाड़ तो बहुत सारे होंगे ही। दोस्तों, ये भी 18 प्लस सीरीज है, यहाँ पर आपको मार कुटाई तो बहुत देखने को मिलेगी और यहाँ पर माइंड गेम्स आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये स्टोरी है मैट मडॉक की, जो की एक नॉयर होता है लेकिन उसकी आंखें खराब हो चुकी होती है, मतलब आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी एक्सीडेंट की वजह से उसको मिल जाता है रडार सेंस, जिससे कि वो 150 मीटर के आसपास के रेडियस में कुछ भी होता है तुम्हारी दिन की धड़कन सुन के बता देगा कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ, और अपने आसपास क्या हो रहा है सब कुछ पता लगा लेता है सिर्फ अपने रडार सेंस की वजह से। और इसमें जो विलेन है किंग पिन, भाई क्या ही कहने। तो ये बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है आप लोग के लिए। अगर आप यहाँ पर फ्री टाइम है आपके पास, तो आप बिल्कुल इस सीरीज को देख सकते हैं, 18 प्लस है। देन बात करते हैं नंबर 1 की। तो भाई नंबर 1 पर है डार्क, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। और भाई ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट सीरीज है जो कि मैंने देखा है, और इसके 3 सीजन है और इसकी स्टोरी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने टाइम ट्रेवल के ऊपर बहुत सारी अभी तक की मूवीज देखी होंगी, लेकिन ये जो सीरीज है ना अब तक की भाई सबसे बेस्ट है। अगर आपने इसको देख लिया और आपका दिमाग चकराए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने यहाँ पर टाइम ट्रेवल देखा MCU में, और भी आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन की मूवीज देखी होंगी, लेकिन डार्क सीरीज से भयानक टाइम ट्रेवल आपने कभी नहीं देखा होगा। तो भाई आप यहाँ पर खुद सोचो कि जो आपका बेटा है, अगर वही आपका डैडी भी हो, तो मतलब किस लेवल का टाइम ट्रेवल होगा। अगर आप देखोगे ना तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाकर के देखो। तो यारो, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो यार लाइक कर दो, उसमें शर्माना ही क्या। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।